हेलो नमस्कार पांच जून को प्रत्येक वर्ष हम सभी लोग वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के रूप में मनाते हैं योम प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक थीम दिया जाता है जिसके अंतर्गत जागरूकता अभियान किया जाता है प्रेजेंट ईयर 2024 का जो थीम है वो है लैंड रेस्टोरेशन हाल्टिंग डिजर्टिफिकेशन एंड बिल्डिंग ड्रॉट रेजिलेंस अगर इसका हिंदी में रूपांतरण देखें तो कहेंगे इसे भूमि पुनर्स्थापन मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटारा इसके अंतर्गत जो इवन ने जो स्लोगन दिया है प्रेजेंट ईयर का वो है आवर लैंड आवर फ्यूचर सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज स्टेबलाइज बाय यूनाइटेड नेशन इन 1972 जिसका उद्देश्य अवेयरनेस क्रिएट करना जिससे हम इन्वायरमेंट को संरक्षण संवर्धन और विकास कर सके हर साल पांच जून को मनाया जाता है और लगभग सौ देशों में यह मनाया जाता है फ्रॉम 1973। सेवेंटी so, सो जो हमारे इन्वायरमेंटल इशूज हैं इवन इन पे ही कुछ ना कुछ थीम फोकस करता है हर साल जैसे डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन वेस्ट डिस्पोजल पल्यूशन ओवर पॉपुलेशन कंटेमिनेशन एसी ड्रेन एटसेट्रा जो हमारे इन्वायरमेंटल के इशूज हैं इनमें ही हर साल कोई ना कोई थीम देता है और जो प्रेजेंट ईयर का जो हमारा थीम है वो है फोकस ऑन क्रिटिकल नीड्स फॉर लैंड रेस्टोरेशन स्टॉपिंग डिजर्टिफिकेशन एंड एनहेंसिंग रेजिलेंस। सो लेट्स डिस्कस लैंड रेस्टोरेशन या भूमि पुनर्स्थापन या भूमि संवर्धन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू डिग्रेडेड लैंड को इंप्रूव करके इट्स इकोलॉजिकल हेल्थ प्रोडक्टिविटी एंड बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर किया जाता है ये कैसे अचीव होता है दैट कैन बी अचीव बाय द रिफॉरेस्टेशन सॉइल कंजर्वेशन वाटर मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल लैंड वाई लैंड रिजिस्टोरेशन हम क्या करें इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं बेनिफिट्स मे बी द इन्वायरमेंटल इकोनॉमिकल एंड सोशल

due to the various factors including uh, climate variations and human activities so it leads to the persistent reduction in the land productivity and transformation of fertile land into desert so what are the causes overgrazing deforestation climate change unsustainable agriculture urbanization and industrial activities are the reason for desertification how we can halt the desertification

कि इस एरिया में हमारी ड्रॉट है या नहीं है उसके चलते हम क्या क्या फिगर आउट कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी वाटर सिक्योरिटी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इकोसिस्टम हेल्थ के बारे में हम हम फोरकास्ट करके उस एरिया पे वर्कआउट कर सकते हैं हाउ टू बिल्ड द ड्रॉट रेजिलेंस देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी लाइक सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप करके सॉयल कंजर्वेशन टेक्निक्स यूज करके कम्युनिटी एंड पॉलिसी मेजर्स के थ्रू

we can combating the desertification and building drought resilience by implementing some sustainable practice for our greener future. thank you so much. if there are any feedback and suggestions, kindly email us. thank you so much.